Good morning, students. As we had solved a few numericals based on solubility product and solubility, so these questions were based on solubility equilibria. Today we will discuss about acid-base equilibria. The concept of acid-base equilibria is very simple. Along with that, I will also emphasize on degree of dissociation. अब जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं तो इसे कोई बहुत बड़ा टर्म मत समझो. ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है कि एक सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है. तो जैसे कि एक इनऑर्गेनिक एसिड अगर हम लें HCl, इसे अगर हम वाटर में डालें तो ये ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर जाता है कंप्लीटली H प्लस एंड Cl माइनस एक्वियस में. ये जो हम H प्लस एक्वियस लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जो H प्लस है ये वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है. इस प्रकार का सिस्टम है. ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड है. पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं हुआ है. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें हम डेल माइनस माइनस देते हैं, इसमें डेल प्लस डेल प्लस. फिर यहां पे एक ऑक्सीजन डेल माइनस माइनस एच एच डेल प्लस डेल प्लस. डेल मतलब साइंस में जनरली हम डेल को बहुत स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल वैल्यूज नोट करते हैं, डिनोट करते हैं. डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस माइनस. अभी इस प्रकार से इस बोर्ड में इस एच प्लस के अराउंड देयर कैन बी ए नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो कि मैं नहीं ड्रॉ कर सकता. तो इस तरह के मॉलिक्यूल को मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से. तो ये जो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है, ये मिनिमम. सो दिस इज डेल माइनस माइनस, दिस इज डेल प्लस. इट इज अ पोलर सॉल्वेंट. कैसा सॉल्वेंट है? हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है. उसी प्रकार से क्लोरीन माइनस को H प्लस और H2O का जो H प्लस पार्ट है वो सराउंड करेगा. तो इसमें जो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लोब है वो सराउंड करेगा. तो ये क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ कि आयोनाइजेशन हुआ? कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, डिसोसिएशन आयोनाइजेशन, और हम कंफ्यूज करते हैं. देखो डिसोसिएशन का मतलब है ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था वो डिसोसिएट कर गया, टूट गया, और आयोनाइजेशन मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयन्स में ये एग्जिस्ट कर गया, कॉरेस्पॉन्डिंग आयन्स में, कैटायन में और एनायन में. तो एसिड डिसोसिएशन इज ऑल्सो आयोनाइजेशन, ठीक है. तो कभी अगर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट कह दिया जाए या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कह दिया जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये कैसे हो रहा है? जैसे कि अगर लड्डू के दो बूंदी के दो बूंदी को हम देखें इस प्रकार से, ये लड्डू है, लड्डू के दो बूंदी है, इसे कुछ चींटी इस तरह से घेर ले और इसे कुछ चींटी एंट्स इस तरह से घेर ले, तो क्या होगा? ये जो लड्डू का जो बूंदी है इसका जो यहां से जो चिपचिपापन है, जो बॉन्ड है, जो एडिसिवनेस है, टूटेगा और इसे कुछ चींटियां लेके चली जाएंगी, इसे कुछ चींटियां लेके चली जाएंगी. उसी प्रकार से इसमें जो पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी के कारण जो पोलर सॉल्वेंट है वो एसिड को या बेस को या सॉल्ट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन के गिर्द चींटियों की तरह घेर लेती है और जो उसका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है. इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन. अब जब वाटर मॉलिक्यूल किसी कैटायन को या किसी एनायन को घेर लेती है तो क्यों घेर रही है? इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट कर रहा है ना. किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. ये एक प्रकार का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है. जब भी कोई बॉन्ड बनता है
तो स्टेबिलिटी के लिए बनता है। तो अगर एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए तो ये क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगा। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही पॉसिबल है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। अगर हम इसे वन मोल लें तो ये भी वन मोल बनेगा और ये भी वन मोल बनेगा। अब एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन देखते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड के केस में। कोई ऑर्गेनिक एसिड का नाम याद है क्या? एसिटिक एसिड CH3CO-H+, ये वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बैक। इस कंडीशन को हम कहते हैं ना इक्विलिब्रियम। तो यहां बनेगा CH3COO- + H+। अब अगर हम यहां पे एक्वेरियस लिख दें तो आपको समझना चाहिए कि पोलर कोवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है चींटियों की तरह, और पोलर कोवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है चींटियों की तरह, जिसके कारण ये कंप्लीटली बैकवर्ड नहीं आ पाता। और कंप्लीटली बैकवर्ड नहीं आने के कारण ये और ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करते रहता है। ये वीक एसिड है, इसे अगर हम वन मोल लेंगे तो ये वन मोल नहीं होगा, ये वन मोल नहीं होगा। इसमें से एक फ्रैक्शन निकलेगा और वो फ्रैक्शन यहां पे दिखेगा। इस केस में ये वन मोल ले रहे थे, ये वन मोल बन रहा था और ये भी वन मोल बन रहा था बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये कंप्लीटली टूटेगा नहीं। तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड कैन बी रिटन एज, अगर इसका ये वन मोल था तो ये वन माइनस वन अल्फा, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वन अल्फा ये वन अल्फा। अगर इसकी कंसेंट्रेशन कोई भी अमाउंट सी था तो सी माइनस C into 1 minus alpha, this will become C alpha and this will become C alpha. Well, alpha is fraction. बड़ी-बड़ी टर्म नहीं याद करनी है, समझनी है. What is it? Fraction. What kind of fraction? It is degree of dissociation. अगर पूरी तरह से मॉलिक्यूल टूटे नहीं तो उसका फ्रैक्शन टूटेगा और उस फ्रैक्शन को हम अल्फा कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैन बी रिटन एज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- H+ एंड CH3COO- का कंसंट्रेशन। We'll put the value now Ka is equal to इसके लिए लिखेंगे C alpha, इसके लिए लिखेंगे C alpha, इसके लिए लिखेंगे C into 1 minus alpha, ठीक है। Now ये strong acid का केस यहां से मिटा दिया। So degree of dissociation can be found out as एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय वन सी इंटू वन माइनस अल्फा। तो इससे सी कट गया। दिस एम्प्लाइज अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्ट। Ka multiplied by 1 minus alpha and alpha will be equal to root over Ka 1 minus alpha. अब इस पर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम।
तो कितने न्यूमेरिकल कर लिया हमने, हमने एक्सरसाइज चैप्टर 7 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.72, 7.71, 7.70 कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल होंगे वो इजी न्यूमेरिकल होंगे, डिफिकल्ट मैंने कर लिया है, इजी आपके लिए बचता जा रहा है। तो अब भी आप अपने कलम उठा लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और टुडे आई विल सेंड यू एक्स्ट्रा नोट्स अलोंग विद दिस वीडियो, ऑलराइट। दिस वीडियो विल बी सेंड टू यू थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज़ आई विल बी डूइंग सम अदर वर्क नाउ, ऑलराइट। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, विल सेंड यू दिस वीडियो टुडे, ऑलराइट। थैंक यू।